बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। जैसा कि आपको पता है, आजकल चिकन के रेट बहुत हाई हैं। 750 रुपये से लेके तकरीबन 800 रुपये तक इसके डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो सेल हो रहे हैं। और इसके रेट हाई होने की वजह जो है वो फीड बताई जाती है, जिसकी प्रोडक्शन में चंद अज्जा जो है यहाँ से भी मिलाए जाते हैं और कुछ उसमें से इम्पोर्ट किए जाते हैं। पोर्ट पर एलसीज नहीं खुल रही, डॉलर्स की शॉर्टेज है, जिसकी वजह से दिन ब दिन चिकन की कीमतें जो हैं वो बढ़ रही हैं। तो जब ऐसे क्राइसिस हों तो हमें फ़िश मार्केट का भी रुख करना चाहिए, जहां आपको चिकन के मुकाबले में आधी से भी कम कीमतों में मछली मिल सकती है। मौसम थोड़ा गर्म हो चुका है, बड़ी और अच्छी मछलियां जो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं उनकी कीमतें अभी भी 700 रुपये से लेकर तकरीबन 1000 रुपये तक पर केजी हैं। मगर मैं आज आपके साथ सिर्फ उन मछलियों के रेट शेयर करूंगा जिनकी कीमतें मुर्गी के मुकाबले में आधी से भी कम है। कंप्लीट वीडियो देखने से पहले व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। व्यूअर्स गौर से देखें, ये फार्म हाउस फिश है। आखिर इसको और चिकन को कौन सी ऐसी फीड दी जाती है कि जो 6 से 8 हफ्तों में इनका वज़न जो है वो 2 से 2.5 किलो तक पहुंच जाता है। आज मार्केट में इसका रेट 400 रुपये पर केजी है, जो कि ये 350 तक भी दे देते हैं। इन मछलियों का वेस्ट तकरीबन 100 रुपये पर केजी सेल होता है, जो फिर फार्म हाउस फिश और चिकन की फीड का हिस्सा बनता है। व्यूअर्स, यहाँ इस शॉप पे हम 4 मछलियों की इकसाम देखेंगे। ये सेम डे कैचिंग फिश है। इसमें से 3 मछलियाँ मैं अपने खाने के लिए इस्तेमाल करता हूँ, जबकि एक मछली है पल्ला, जिसमें कांटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसे मैंने कभी इस्तेमाल नहीं किया। व्यूअर्स, इस मछली का नाम है बोई फिश और आज की इसकी कीमत थी 400 रुपये पर केजी। दो तीन चीज़ें देखी जाती हैं मछली की फ्रेशनेस के लिए। देखें इसका गलफड़ा, ये लाल है, इसकी आंखों की चमक। इसमें भी एक ही कांटा होता है। और ये मछली जो आप देख रहे हैं, ये हीरा फिश, ये सबसे छोटा साइज़ है और इसका आज का रेट 300 रुपये पर केजी, जबकि इससे डबल साइज़ जो बड़ा है वो 350 रुपये पर केजी था। इस मछली में भी व्यूअर्स एक ही कांटा होता है। व्यूअर्स, ये पल्ला फिश है छोटी वाली और इसका आज का रेट 300 रुपये पर केजी था, जबकि इसके बड़े वाले दाने जो हैं वो पर पीस सेल होते हैं। इसमें कांटे ज़्यादा होने की वजह से सिर्फ शौकीन लोग ही खाते हैं इसे। ये उस्मान फिश पॉइंट है। व्यूअर्स, आपने फिश रेट व्लॉग देखे होंगे इनकी शॉप के। इनके पास ज़्यादातर बड़ी मछलियाँ ही होती हैं, और जब बड़ी मछलियों में जो रीज़नेबल रेट था ये है खग्गा। ये खग्गा जो आप देख रहे हैं, इस साइज़ का आज का रेट था 300 रुपये पर केजी। 1 किलो में 2 दाने आते हैं। उस्मान के बराबर वाली शॉप पे छोटी वाली खग्गा मौजूद थी, जो कि 200 रुपये केजी दे रहे थे। व्यूअर्स, इसमें भी कांटे नहीं है, मगर ये मछली ज़्यादातर सालन के लिए और बिरयानी में इस्तेमाल होती है। व्यूअर्स, ये जो फिश आप देख रहे हैं, ये भांगड़ा फिश है और ये आज का रेट इसका 300 रुपये पर केजी था। इसके दरमियान में भी कंघी की तरह एक ही कांटा होता है। इसकी वीडियो के आप एंड में देखेंगे, इसको मैंने मसाला लगा के फ्राई भी किया था। भांगड़ा फिश का सीज़न व्यूअर्स तकरीबन 3 महीने तक होता है, नवंबर आखिर से लेके तकरीबन फरवरी के आखिरी तक। ये आप बोई फिश की कटिंग देख रहे हैं और ये 12 महीने ये सीज़न रहता है इसका। भांगड़ा फिश का जो आप टेस्ट है और जो फ्लेवर है वो सब मछलियों से बिल्कुल डिफरेंट है। और इसका बड़ा वाला साइज़ जो तकरीबन 450 रुपये पर केजी है, वो ज़्यादातर एक्सपोर्ट होता है। मिड सीज़न तकरीबन दिसंबर के एंड में यही भांगड़ा फिश मैंने 200 रुपये पर केजी भी परचेज़ की थी, जो कि आज फरवरी के एंड में तकरीबन ये 300 रुपये पर केजी चली गई। इस मार्केट में तकरीबन 3 से 4 लोग ही भांगड़ा फिश रखते हैं, और जब मैं पहुंचा वहां पे तो सबके पास ख़त्म हो चुकी थी। ये आखिरी एक दुकानदार के पास तकरीबन 5 केजी बची थी जो मैंने परचेज़ की। व्यूअर जी, आप देख रहे हैं कि इसकी सफाई करने के बाद दोनों साइडों पे ये लोग तीन तीन कट लगाते हैं। इसको अच्छी तरह से धो के आप अपने तरह से जो भी मसाला लगाते हैं वो लगा के इसे फ्रीज कर दें। मैं तो व्यूअर्स, घर में अगर कोई सब्ज़ी या कोई दाल पकी हो तो उसके साथ 2-3 भांगड़ा फिश जो है वो फ्राई कर लेता हूँ। और इसकी हमारे यहाँ 3 वेज़ कुकिंग की जाती है, जो कि तीनों तरह से आप देख लें जो आपको पसंद हो। नंबर 1, बग़ैर ऑयल के इसे ओवन में बेक किया जाता है। नंबर 2, फॉइलिंग पेपर में मसाला लगा के लपेट पे इसको अगर कोयलियों के ऊपर रख लिया जाए तो बारबेक्यू बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। नंबर 3, फ्राइंग पैन में ऑयल डाल के इसको आप फ्राई कर लें, जो लास्ट में आपको दिखाऊँगा। फ़िश पुलाव में इसका फ्लेवर और टेस्ट बहुत यूनिक होता है। व्यूअर्स, मैं आपको इसकी रेसिपी फ़िश पुलाव की इसमें शेयर कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अच्छी तरह मछली को धो के आप अपने तरीके से इसे मसाला लगा लें।
और फिर तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद इसको फ्राई कर लें। जब एक तरफ से फ्राई हो जाए तो फिर इसकी साइड चेंज कर लें, और इसके साथ हरी चटनी, धनिया, पुदीना, हरी मिर्च, ज़ीरा, वो बड़ा इसके साथ फ्लेवर अच्छा आता है। भांगड़ा फिश के दोनों साइडों से देखें गोश्त किस तरह बर्फ़ी की तरह उतर जाएगा और ये कंघे की शक्ल में इसके कांटे बाहर आ जाएंगे। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें।